हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट 2 में और ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से तो वन प्लस की है डिस्प्ले 6x43 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले, और ओप्पो की डिस्प्ले 6x55 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और दोनों ही फ़ोनों में आपको 19Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। दोनों में आपको पंच होल कैमरा मिलता है। बात करते हैं हार्डवेयर की तो दोनों का सेम है, मीडियाटेक का है डायमेंसिटी 1200 का, सीपीयू 3.2 GHz ऑक्टेकोर का और 6 नैनोमीटर्स का फिनफैट, जीपीयू G77 का। बात करते हैं बैक कैमरे की तो वन प्लस का है ट्रिपल और ओप्पो का जो बैक कैमरा क्वाड में है, जो मेन कैमरा सिटी पॉमसल का, फिर 8 का, फिर 2 का, फिर 2 का। और बात करते हैं फ्रंट कैमरे की तो दोनों का सेम है, 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है पंच होल कैमरा के साथ। और बात करते हैं बैटरी की तो दोनों में सेम है, 4500 mAh की मिल जाती है और दोनों फ़ोन की बैटरी एप्स नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, दोनों में सेम है 65W का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, दोनों में आपको डुअल सिम मिलती है। बात करते हैं रैम की, वन प्लस में 3 ऑप्शन है, ओप्पो में है 12 GB की। बात की जाए मेमोरी की तो वन प्लस में है जो 128GB, 256GB की और ओप्पो में है 256GB की, और दोनों में ही आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की तो वन प्लस का है स्टार्टिंग 29,999 रुपये और ओप्पो का है स्टार्टिंग 40,000 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।